ओम ह्रीं अर्हं रमोजिनाणं सिद्धांत प्रवेशिका भाग एक दो और तीन। इसमें किस प्रकार प्रश्न पत्र हैं उसको आपके सामने रखते हैं और आप उसका उत्तर समाधान देखें। पहले है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस। इसमें एक पंक्ति है, उसके बाद चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। जो आत्मा को सुख दुख देता है वह कर्म है। कौन सा कर्म है? तो सुख दुख देने वाला कर्म होता है वेदनीय कर्म। भरत के शरीर की ऊंचाई थी, तो चक्रवर्ती भरत के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। चार प्रकार के दान में नहीं आता, तो यहाँ पे ऑप्शन में तीन प्रकार के तो सही दान दिए हैं और एक विपरीत है रक्त दान, तो वह नहीं आता। ठीक है, शमोशरण में सवाएं होती हैं, तो शमोशरण में 12 सवाएं होती हैं। अभ्यंतर तप में नहीं आता, तप दो प्रकार के, बहिरंग तप और अंतरंग तप, दोनों तप भी 6-6 प्रकार के। तो यहाँ पे अभ्यंतर या अंतरंग तक पूछा है, तो अनशन प्राश्चित विनय और ध्यान में से अनशन नाम का तप है वह बहिरंग तप है। ठीक है, आगे सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको सामने लिखना है कि जो सेंटेंस बोला गया है वो सही है या गलत है। तो पहला, आचार्य विद्यासागर जी के गृहस्थ जीवन के पिता का नाम पार्श्व अप्पा था, तो इसका उत्तर है गलत या असत्य। क्यों? क्योंकि यह उनके दादा का नाम था, उनके पापा का नाम तो था मल्लप्पा जी। सेकंड, चार इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं, गलत, क्योंकि इसका सही उत्तर है केवल एक इंद्रिय जीव ही स्थावर कहलाते हैं, दो इंद्रिय और उससे ऊपर के जीव त्रस कहलाते हैं। अनुपसेव्य अव्यक्ष नहीं है, अनुपसेव्य अवक्ष नहीं है, इसका उत्तर है गलत। ये भी असत्य है क्योंकि अनुपसेव्य अवक्ष है। अनुपसेव्य किसे कहते हैं? तो मल मूत्र कफ लार, ये सब अनुपसेव्य हैं। आरंभी हिंसा भाव हिंसा है, इसका उत्तर भी है गलत, ये भी असत्य क्योंकि इसका उत्तर है द्रव्य हिंसा है। ठीक है, एक लंगोट और एक दुपट्टा रखते हैं वे छुल्लक कहलाते हैं, मात्र ये सत्य है। ठीक है, आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों को पता चल रहा है आपके कितने कितने अंक आए। ठीक है, अब वहां से क्या अंक आएंगे वो बाद में है, लेकिन आपको पता चल गया कि आपने पेपर में कितना सही लिखा है। जो पंचाचारों का पालन करते हैं वे खालिस्तान परमेष्ठी कहलाते हैं, उत्तर है आचार्य परमेष्ठी। गोमटेश्वर बाहुबली की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा खालिस्तान प्रांत में है, तो इसका उत्तर है कर्नाटक प्रांत के बेलगांव, कर्नाटक प्रांत के बेंगलोर के नजदीक हासन जिले में स्थित है। अगर आपने कर्नाटक अकेला भी लिखा है तो आपका उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हां हां में अद्याचारी बहु खालिस्तान जो जीव विदारी, तो इसका अर्थ है हां हां में अद्याचारी बहु जीव राशि जो विदारी, या बहु त्रस जीव जो विदारी, इस प्रकार लिखना। शरीर की ये आलोचना पाठ की पंक्ति है, त्रस जीव जो विरादी, इस प्रकार से पंक्ति आएगी विदारी। हां हां में अद्याचारी बहु हरित काय जो विदारी, शरीर की पीड़ा को चिंतन दूर करने का चिंतन करना, यह पीड़ा चिंतन नाम का आर्तक ध्यान है। नेक्स्ट, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये पंक्ति कहाँ की है? ये पंक्ति आपके 12 भावना की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। राजा श्रेणिक के पिता का नाम था उपश्रेणिक,
झूठ बोलने में आनंद मनाना रौद्र ध्यान है। कौन सा रौद्र ध्यान है? यहाँ पे आर्त ध्यान लिखा है, करेक्शन था, आपको बता दिया गया होगा उस समय। तो ये मृषानंदी या मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान है। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय को गति कहते हैं। और अगर इसके आगे एक शब्द जोड़ देंगे, मानो मनुष्य गति जोड़ दिया तो मनुष्य उत्तर होता, देव जोड़ दिया तो देव होता, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो आगे शब्द जोड़ देंगे वो पर्याय उनकी बन जाएगी। तो इसका उत्तर था केवल गति। अन्यन चोर का वास्तविक नाम था, अन्यन चोर का वास्तविक नाम ललितांग था। ये नारायण के भ्राता होते हैं। उत्तर है बलभद्र या बलदेव। जो बलभद्र होते हैं वे नारायण के रियल भाई होते हैं, जैसे श्री राम और लक्ष्मण, जैसे बलराम और श्री कृष्ण। आगे भेद लिखिए, कोई पांच है, आठ आपको दिए, कोई भी लिख सकता था। पहला है द्रव्य, तो आपको सबसे पहले लिखना था छह, और फिर छहों के नाम, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर उसके बाद पाप, पाप पांच, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तत्व, तत्व सात, सबसे पहले आपको लिखना था सात। फिर उसके बाद जीव, अजीव, आश्रव, वंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। फिर इंद्रियां पांच, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। फिर कल्याणक पांच, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। फिर इसके बाद महाव्रत, महाव्रत भी पांच, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेशिया सामान्य से आप चाहते तो लिख सकते थे दो, शुभ और अशुभ। फिर उसके बाद लिखते थे छह, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। फिर इसके बाद कर्म, कर्म आठ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत, अंतराय। आगे परमेष्ठी, परिभाषाएं लिखिए। परमेश इसमें भी आपको पांच कोई लिखनी है, आठ पूछी गई है, मतलब एक्सेस में आपको ऑप्शनल है, इसलिए निर्विकल्प होकर आपको लिखना था। तो साधु परमेष्ठी, तो जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। नेक्स्ट द्रव्य, तो जिसमें उत्पाद, व्यय और धोब पाया जाता है, गुण और पर्याय वाले को द्रव्य कहते हैं। आहारदान, मुनि महाराजों को या चतुर्विध संघ को उनकी अनुकूलता अनुसार आहार देना आहार दान है। समोषरण, तीर्थंकर भगवंत की धर्मोपदेश सभा, जहां सभी जीवों को समानता से शरण और उपदेश मिलता है। थोड़ा और विस्तार करना हो तो इसमें 12 सभाएं होती हैं, आदि लिख सकते हैं। चोरी वैशन, किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाने की बुरी आदत का लग जाना और बार बार इस प्रकार का कार्य करना चोरी वैशन है। आरिका, जो स्त्री पर्याय में सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है, ये उपचार से महाव्रतों को धारण करती हैं, एक साड़ी और पिछी कमंडल रखती हैं, बैठकर कर पात्र में आहार ग्रहण करती हैं और अपने हाथों से केस लॉन्च करती हैं। इन्हें बंदामी कहकर नमस्कार करना चाहिए। फिर इसके बाद पूछा देवगति, तो देवगति नाम कर्म के उदय से देव की पर्याय का प्राप्त होना देवगति है। ये चार प्रकार के होते हैं, आदि लिख सकते हैं। स्थावर जीव, जिन जीवों की केवल एक स्पर्शन ही मात्र इंद्रिय होती है, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसके बाद विस्तार से उत्तर दीजिए, इसमें भी आपको दो प्रश्न है, कोई एक लिखना है। तो पहला है कषाय का लक्षण भेदों सहित लिखिए। कषाय किसे कहते हैं?
जो आत्मा को कसती है, क्रस करती है, उसे कषाय कहते हैं। कृष्ण नील क्रोध मान माया लोभ, और चारों को आप अच्छी तरह से समझा सकते थे। फिर इसके बाद दान, चारों दान का स्वरूप लिखिए एवं दान के योग्य पात्रों को बतलाइए। तो कोई एक करना था तो आप अपने अनुकूलता अनुसार लिख सकते थे। तो चारों दान अभय आहार शास्त्र और औषधि, और इनको किनको देना चाहिए, तो इनको मुनि आदिका श्रावक श्राविका रूप उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों को अपनी योग्यता और शक्ति अनुसार देना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 का प्रश्न पत्र यहाँ पूर्ण हुआ। हम सब ने जो साल भर पुरुषार्थ किया, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, ये उसका पूर्ण फल था। जिन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया होगा, पूरा पेपर एकदम इजी, जैसे अभी हमने आपके सामने पेपर रखा, तो एक स्थान पर मात्र सेंटेंस की पूर्ति में गलती हुई, मतलब हमको लगभग लगभग 99 मार्क आए। अब आप लोग अपने अपना करके देखें कि आपको कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। हमको तो 99 अंक यहाँ पर पूरे पूरे मिल गए। एक हमने तिरस्काय बोला और आप लोगों ने उसको हरितकाय बोला, बस वहाँ पर अंतर आया। उसके अलावा हमारे तो 99 अंक आए। आप लोग अपना अपना अच्छी तरह परीक्षण करें कि अब ये पेपर, तो ये पेपर आप लोगों को देखने को अभी नहीं मिलेगा, 11 तारीख के बाद हो सकता आप लोगों को उपलब्ध हो सके। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। पासिंग मार्क कितने हैं, तो पासिंग मार्क थे 33, लेकिन आप लोगों को अच्छी अच्छी शुभकामनाओं के साथ पेपर आपने दिया, पूज्यश्री का आशीर्वाद है, तो कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, साथ ही द्वितीय वर्ष में आप अब प्रवेश लेंगे, तो द्वितीय वर्ष में आपको स्तोपदेश और रत्नकरंडक श्रावकाचार, ये दो ग्रंथ हैं, दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं, इसलिए आप निर्विकल्प होके बिना डरे साल भर अध्ययन का मानसिकता बना के और फिर आगे पढ़ेंगे। शीघ्र ही जब आपका रिजल्ट घोषित होगा, उसकी सूचना पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिकुल कुंजर मुनिपुंगव शिशुदास अगर जी महर्षिराज के मुखारविंद से की जाएगी। जहां वो उपस्थित होंगे उस समय उनके ही पवित्र मुख से रिजल्ट की घोषणा प्रतिवर्ष की जाती है। जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आदि क्लास में प्राप्त करेंगे उनको चांदी के मेडल, और जो ओवरऑल 6 वर्षों में टॉप करेंगे उनको स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल, ओरिजिनल गोल्ड मेडल। पूरे विश्व में केवल एक श्रवण संस्कृति संस्थान का यह द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम ऐसी योजना है जिसमें ओरिजिनल गोल्ड का गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसलिए आप सब जिन्होंने अभी एग्जाम दिया भी सब बधाई के पात्र तो हैं, और अगले वर्षों के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छी तरह अध्ययन किया, परीक्षा दी, उसके लिए आपका आभार। श्रवण संस्कृति संस्थान युगों युगों तक जयवंत रहे। जैन शासन जयवंत रहे। वंदे शासनम। अभियंताज्ञा के प्रतिकूल जो कुछ आचरण किया गया वह सब दोष मिथ्या हो, तस्समिच्छामि दुःखकरम्। सभी को जय जिनेन्द्र।